देखिए स्थिति ये है ना कि कुछ शरारती तत्व धरती पर हैं जो खुराफात कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब जनता ने एक बार चुन दिया किसी को तो फिर उसके खिलाफ उपद्रव करने की क्या जरूरत है। 5 साल देख लो, 5 साल के बाद तो खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया है कि अपने आप वो हट जाएगा, कोई हटा भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता है। और अखिलेश जी भाजपा कह रहे हैं सबसे बड़ी झूठा पार्टी है, इस पर सबसे वो कौन सा ही पार्टी है? कम से कम आपने देखा कांग्रेस से बहुत बड़े नेता मुसलमान के ले आए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया सहारनपुर में, उसको टिकट नहीं दिया। आप आजमगढ़ में वो का नाम है एक मुसलमान जो बड़ा नेता है गुड्डू जमाली, उसको ले आए अपनी पार्टी में और उसको टिकट नहीं दिए। और हम उससे बड़ा गवाह खुद हैं, हमारे विधायक जी खुद गवाह हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा ने मिलकर 30 से 40 हज़ार मुसलमान और यादव का वोट कटवा दिया लिस्ट से, तो ये क्या कर रहे थे? देखिए जनता के बीच में टीवी पर आकर के बोलना अलग बात है, संविधान में व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है कि जब चुनाव आयोग वोट कटता है या बढ़ता है तो उसकी एक कॉपी सभी राज्य मान्यता प्राप्त दल और राष्ट्रीय पार्टियों को देता है। तो वो क्या कर रहे थे उस समय? सो रहे थे? 5 साल में 4.5 साल बैठ के लूडो खेलोगे और 6 महीना में आकर के सत्ता पाओगे? जो 5 साल मेहनत कर रहा है तो वो डिस्टेंशन पाएगा कि आप डिस्टेंशन पाओगे भैया? अभी अब्बास अंसारी आपके विधायक, उनको भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, ये तो आप पे आरोप है कि आप कहीं छुपा के रखे हैं भीड़िए में है तो पकड़ कर। देखिए अदालत काम अपना कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।